त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वोटों की गिनती के बाद जो परिणाम सामने आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन मुरादाबाद जनपद में सराहनीय रहा है। कांठ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के 7 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज कराकर कांठ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद किया है। यहां से सपा समर्थित प्रत्याशियों में जीत दर्ज कराने वालों में मुकेश यादव, नाजम अली, शशिबाला, डॉक्टर रिजवान की पत्नी डॉक्टर नवरतन सिंह शामिल हैं। हालांकि प्रत्याशियों को देर शाम तक प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, किंतु वोटों की गिनती के बाद ये सभी प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सुबह से ही एडीएम प्रशासन के कक्ष बाहर काफी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन देर शाम तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी। 8 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डो से जीतने वाले सपा समर्थित प्रत्याशियों से श्री चाना संवाददाता ने बात की तो उन्होंने अपनी जीत को क्षेत्र की जनता और सपा मुखिया की नीतियों की जीत बताया। डॉक्टर नवरतन सिंह शशिबाला ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का कांठ विधानसभा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहा। नाम है आपका? डॉक्टर नवरतन सिंह। डॉक्टर नवरतन सिंह जी, आप किस वार्ड से और किस पद से निर्वाचित घोषित हुए? वार्ड 14 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी समर्थित। अच्छा, समाजवादी पार्टी से समर्थित थे आप। वार्ड नंबर 14 वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित घोषित हुए हैं, क्या आपके कार्य रहेंगे, क्या प्रयास रहेंगे? प्राथमिकता शिक्षा और जनता की सुनवाई, जो भी सुख दुख में साथ रहूं। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से बहुत प्यार है और सब सम्मान मिला उसमें मैं खड़ा उतरूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मान दिया है और जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है कोई। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी ही है जो कि विकास कराती है और अब तो 2022 में अपनी सरकार आ रही है पूर्ण होगा। शिशु जी, क्या आज कौन से तो चुनाव हुए हैं? वार्ड 17 से तो दूसरे नंबर तो कौन आया आपको? किसके 1500 वोटों से जीत प्राप्त हुई है, क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। विकास आप किस क्षेत्र में करना चाहेंगे? वार्ड 17 में करना चाहेंगे, जिससे जीत मिली है हमें, कामयाबी मिली है, जनता ने हमें 20 लाख बनाया। क्या कहना चाहेंगे अपने जनता से? बस ये सब लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया, सब जितने हमें 20 लाख समझा, इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, सब लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। आप किस पार्टी के समर्थन से विजयी घोषित हुए? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे, आने वाले समय में हमारी पार्टी का अच्छा माहौल रहना चाहिए, सरकार बननी चाहिए। इस बारे में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जयवीर यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुरादाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रति मतदाताओं ने रुचि दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, देखिए, समाजवादी पार्टी का जनपद मुरादाबाद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन गया, बहुत प्रत्याशी हमारे समाजवादी पार्टी के जीते हैं। मुरादाबाद जनपद में भी लगभग 12 सीटें हमारी क्लियर हो गई हैं, अभी एक आधक पे कहीं मतगणना चल रही है, उसमें बाकी है, पर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन मुरादाबाद के अंदर कराया और हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर मुरादाबाद के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम अपना कब्जा करने का काम करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनेगा मुरादाबाद के अंदर। जैसे आपने मुरादाबाद की बात करी, कांट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा पार्टी का, क्या मान? देखिए, कांट विधानसभा में हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए हैं और वहाँ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा मतलब सहयोग करा प्रत्याशियों का और वहाँ के जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग करा और वहाँ से बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा है। हमारे लगभग 5 मेंबर कांठ विधानसभा से ही जीत के आए हैं। मैं अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का कांठ के अंदर रहा और उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करा, मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर, इस जीत को लेकर 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, 2022 का चुनाव सीधा
समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में बनने जा रही है। आपने ये देखा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप टीवी चैनल खबरें देख रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी जीती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। हमारे अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्य जीते, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते, प्रधान जीते हैं, तो आने वाला 2022 भी समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो विकास उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ है, अब कोई से नहीं हो रहा है। सब जनता परेशान है। आप कोरोना में देख रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल रहे हैं, सब हर व्यक्ति आम आदमी परेशान है। इस सरकार से, भाजपा की सरकार से दुखी हो चुका है। हर आदमी समय की तलाश कर रहा है, मौके की तलाश कर रहा है कि किस समय, अगर अभी आप चुनाव करा दीजिए, अभी पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। सर, अगर ये जिला पंचायत सीट जो है ये महिला के लिए आरक्षित है, इसके लिए अब आपका अगला कदम क्या रहे? अब हम समाजवादी पार्टी के अपने जितने भी हमारे मेंबर जीत के आए हैं, उनमें हम अपने सब लोगों के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, विचार विमर्श करेंगे। इन्हीं में से हम लोग अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। जो कितनी महिलाएं आपके यहाँ से जीत के आई हैं समाजवादी? समाजवादी पार्टी से लगभग 4 महिलाएं जीत के आई हैं हमारी, तो उन्हीं में से हमें देखना है, उन्हीं में से हम प्रत्याशी तय करेंगे। कांट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी अनीसुर रहमान सैफी भी कांट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलने पर बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी इसी तरह का प्रदर्शन करेगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा। जी, जिला पंचायत चुनाव में ये कांट विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक भी हैं, क्या स्थिति रही समाजवादी पार्टी? देखिए, कांट विधानसभा के अंदर बहुत शानदार स्थिति रही। हमारे जो उम्मीदवार थे, 5 उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव लड़े। 11 नंबर पर मुकेश यादव ने चुनाव लड़ा 11 नंबर वार्ड पे, 12 नंबर वार्ड पे नाजिम सैफी ने चुनाव लड़ा, 13 नंबर वार्ड पे रिजवान कुरैशी ने चुनाव लड़ा और 14 नंबर वार्ड पे जो रिजर्व था उस पे हमारे डॉक्टर नवरतन सिंह हमारे उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे। और 17 नंबर का जो वार्ड था उस पे ये भी रिजर्व वार्ड था और महिलाओं के लिए रिजर्व था और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व था। इस वार्ड पर भी शशि बाला हमारी प्रत्याशी थी। तो समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए थे, जो समर्थन दिया था जिन लोगों को, वो सभी लोग जनता के सहयोग और मतदाताओं के सहयोग से जीतने में सफल रहे, कामयाब रहे। और उन्होंने कांट विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जिताकर समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद किया है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जिस संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर वर्कर्स ने पूरी मेहनत की और एक एक घर जाकर वोट मांगा, तो पूरे संगठन को, पूरे साथियों को, संगठन के मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने वोट देकर जिताया है उनको भारी मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो ये मान के चलें कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भारी तादाद में, जैसे अखिलेश यादव जी ने पहले विकास कराया था, उससे दुगनी ताकत और पावर से अखिलेश यादव जी विकास कराएंगे। और आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2022 के। अच्छा, अब अगला जो प्रयास रहेगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मेरा कुछ कहना भी सही नहीं है, जब तक हमारा संगठन या हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे हाईकमान और जो हमारे विधायक हैं यहाँ पे मौजूदा, तो वो सब बैठ के तय करेंगे और जो राष्ट्राध्यक्ष जी का आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा और उसको अमली जामा पहनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, बल्कि पहनाया जाएगा अमली जामा।